चलो जी, अब हम करेंगे ड्राइव लैंड रोवर डिफेंडर को। और देखिए, जो गाड़ी के अंदर बैठते ही सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो है वाओ, बहुत ज़बरदस्त हाइट के ऊपर हम लोग बैठते हैं। फुल ऑन कंट्रोल लगता है, कमांड लगता है रोड के ऊपर। स्टेयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टेयरिंग मेरा लाइटर साइड पे है, ज़्यादा हार्ड नहीं है इसका स्टेयरिंग। एक जो चीज़ आप यहाँ पे मिस करेंगे वो है यहाँ पे पैडल शिफ्टर। और मैंने आपको बताया था इसके रिव्यू के अंदर ही कि इस कार के अंदर आप स्पीड की उम्मीद ज़्यादा मत कीजिए, तभी यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए हैं। बेसिकली ये ऑफ रोडर है, ये यहाँ पर परफॉर्मेंस व्हीकल नहीं है कि आप इसको भगाएंगे या रेस करेंगे इससे, उस चीज़ के लिए ये गाड़ी नहीं बनी है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैं बहुत सारे इसको गड्ढों में ले जा रही हूँ जानबूझ के, और बहुत अच्छा सस्पेंशन है, बहुत बैलेंस सस्पेंशन है इस कार के अंदर। फ्रंट और रियर में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सस्पेंशन का यूज़ किया गया है ताकि गाड़ी आपको ऑप्टिमम बैलेंस दे, ऑप्टिमम कंट्रोल दे ओवर रोड, और यहाँ पर आप आराम से बैठकर अपनी ड्राइव को एंजॉय करेंगे। सामने की साइड में मेरे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे आपको बहुत सारी रीडिंग्स दिखाई दे रही होंगी, जैसे मेरा स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, कितनी मेरा किलोमीटर गाड़ी ड्राइव हो चुकी है अभी तक। राहुल ने इसको 444 किलोमीटर चला दिया है। फ्यूल रेंज आपको दिखा देगा ये कि कितना किलोमीटर कार आपकी चल सकती है। इस कार की अगर मैं माइलेज की बात करूँ दोस्त, तो ये गाड़ी आपको 7 से 8 की माइलेज देती है, और इस कार के अंदर जो हमारा फ्यूल टैंक है दैट इज़ 90 लीटर्स। तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 500 किलोमीटर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं ना राहुल को बुला लेती हूँ, क्योंकि राहुल ने मुझसे ज़्यादा गाड़ी को चलाया तो ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे। तो चलिए बुलाते हैं राहुल को, आ जाओ राहुल। तो दोस्त, ये है हमारे साथ राहुल राजपूत, और राहुल की ये ब्लैक कलर की सुपर स्टाइलिश डिफेंडर है जिसको हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। राहुल हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट है, हमारे सब्सक्राइबर है, और वेलकम राहुल, जल्दी से हेलो कर लो, ड्राइव कर रही हूँ मैं। और राहुल स्पेशली ये कार लेके आया है हमारे लिए ताकि हम इसका रिव्यू करें। बहुत सारा टाइम दिया दोस्त आपने, थैंक यू सो मच। और अराउंड आई थिंक 2 घंटे तुमने मेरा वेट किया है। जी मैम, रियली सॉरी, फिर से भाई हाथ जोड़ के सॉरी। राहुल को बहुत सारा मैंने वेट करा दिया, और बहुत अमेजिंग गाड़ी है यार, मज़ा आ गया इसको चला के। और अब कुछ राहुल का ओनरशिप रिव्यू भी आपसे शेयर करूँगे, जिसमें राहुल अपनी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी हम दोनों सिर्फ ड्राइव के ऊपर गप्पे मारने वाले हैं, ठीक है जी मैम। अभी जो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रह गई है मेरे और राहुल के बीच में, एक तो मैंने राहुल को चैलेंज किया है कि राहुल मैं तुझे हरा दूंगी भाई ड्रैग रेस में, और राहुल कह रहा है कि मैं आपको जीतने ही नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं जीतने दूंगा। और मैं उसको ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि मैं हरा के मानूंगी तुम्हें। मैम ये तो ऑन रोड पता लगेगा ना, रोड पे देखेंगे क्या रोड पे देखेंगे क्या होगा तुम्हारे साथ। हार मैं भी नहीं मानता, हार मैं भी नहीं मानूंगा। अच्छी बात है। चलो, एक तो हम दोनों ये करने वाले हैं, और एक हम दोनों ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कि हम डिफेंडर में एक ट्रिप मारने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा, कई सारे यार दोस्त मिलके इकट्ठे होके हम लोग जाएंगे, और जैसलमेर हम लोग जाने का प्लान कर रहे हैं। तो जल्दी वो ट्रिप करते हैं और वहां पर फिर गाड़ी को देखते हैं, और मिट्टी विट्टी में घुसा के कीचड़ वीचड़ देखो। राहुल क्या तुम्हारी गाड़ी का मैं हाल अरे मैम करो ये इतना स्वीट बंदा हमें मिल गया है, वो बिल्कुल दिलदार है ना, वो पैसों से डर रहा है। मैंने उसको डराया इतना कि भाई नहीं, हम ऑफ रोडिंग ज्यादा नहीं करेंगे, पता है हमारी गाड़ी लग जाएगी, ये हो जाएगा। कह रहा खरीदी क्यों है फिर, करेंगे करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है राहुल, इतना गट्सी भैया तुम हो, मैं थोड़ा डर जाती हूँ, मुझे लगता नहीं, नहीं, मैं इतने पैसे नहीं खर्च कर सकती। मैं नहीं डरता। आप नहीं डरते? नहीं डरता। अच्छा राहुल, मैं बता रही थी कि इस कार में हम 90 लीटर के टैंक के साथ 7 से 8 की एवरेज, मतलब 500 किलोमीटर तुम चला लेते होगे, 500 550 के आसपास है ना, इतना चला पा रहे हो जी। ओके, और राहुल को कोई माइलेज की टेंशन है नहीं, उसको पता भी नहीं है, उसको एवरेज भी नहीं पता थी। मैंने तो पहले कभी गाड़ी की माइलेज देखी नहीं है, वो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब आ गया हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम। राहुल ने अपना फोन कनेक्ट कर रखा है, गाने वाने सुन लेते हैं। मींस इस कार के अंदर आपके पास एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पर हमारा ये गियर लीवर दिया गया है, ये बहुत सा आपको ना रेट्रो फील के साथ बहुत सिंपल सा दिया गया है, इसको ज़्यादा स्टाइल नहीं दिया गया, कार में ज़्यादा स्टाइलिंग की भी नहीं गई है। उसका पर्पस है कि रगेडनेस को कहीं पर भी कंपनी ख़राब नहीं करना चाहती है। ये हमारा 8-speed गियर बॉक्स है के साथ आता है, जहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग में कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई लैगिंग फील नहीं होती है, चाहे आप इसको हाई स्पीड पर चलाइए, चाहे आप इसको लो स्पीड पर चलाइए। एसी कंट्रोल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3-zone एसी कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर आपको फ्रंट में जो आपकी ड्राइवर साइड है और पैसेंजर साइड है, दोनों में सीट वेंटिलेशन मिल जाता है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
अगर आपको नहीं ऑपरेट करना, जैसे मैंने उसको पूरा ही हटा दिया है, तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं इनकी हेल्प से, इस बटन और इस बटन की। अगर मुझे सपोज इसको करना है तो इसको ऑन किया मैंने, और अगर मुझे हीट करना है तो रेड आपका हीट को शो कर रहा है, ब्लू आपका कोल्ड को शो कर रहा है, और दोनों को ऑफ करना है तो सिंपली हम इसको प्रेस करेंगे। राहुल को तो मैंने बिल्कुल हीट कर दिया था, है ना राहुल? 3 डिग्री टेम्परेचर अप ले गई थी मैं उसका, 3 लेवल अप इनफैक्ट हम उसको लेके जा रहे थे। अच्छा, अगर ड्राइव के टाइम पर आप बात करते हैं कार में विजिबिलिटी की, दोस्त, तो आपको फुल ऑन बोनट एंड तक विजिबल है, क्योंकि बिग साइज व्हीकल है ये, तो ये बहुत रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो आपको बोनट पूरा दिखाई देता है गाड़ी का, आपको अपना कंट्रोल, ड्राइवर का रोड पे पूरा कंट्रोल रहता है, क्योंकि आपको हर चीज़ बहुत क्लैरिटी से दिख रही है। ऊपर से इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा कवरेज भी मिलता है, जो आपका एड ऑन एक फीचर बन जाता है। ये हमारा 3D व्यू है, इस टाइम हमारी गाड़ी ऐसे चल रही है, तो उसमें आप डिफरेंट तरीके से इसका फ्रंट बैक ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे ये वाला बटन प्रेस किया और मुझे अपनी कार के बिल्कुल साइड में देखना है नीचे की तरफ, तो देखिए हर चीज़, हर एंगल आपको बहुत क्लैरिटी से दिखाई देता है, ताकि ड्राइविंग के टाइम पर आपको किसी भी टाइप का कोई रिस्क ना हो। इसको बोला जाता है कि बेसिकली ऑफ रोडर है, तभी मेन फोकस इसका चारों तरफ है और नीचे की साइड पे ज़्यादा है, जो मुझे ये चीज़ें इसकी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, ये वाला और ये वाला पार्ट। जब देखते हैं ना ऑफ रोडिंग के टाइम पे, इस साइड में गड्ढा है, उस साइड में गड्ढा है, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर अच्छा पिकअप है, अगर आप देखिए इसको पावरफुल व्हीकल मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि गाड़ी का जो साइज़ है, गाड़ी का जो वेट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंजन उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता है। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि इतने बिग साइज़ का व्हीकल है और जिसमें सिर्फ 2000 CC का इंजन लगाया गया है। अगर आप शौकीन हैं कार को आराम से चलाने के लिए, तो आपको शायद ज़्यादा चीज़ें फील नहीं होगी, लेकिन अगर आप कार एंथुजियास्ट है, आपको लग रहा है रोड खाली है तो भगाएं इसे, तो ये गाड़ी आपकी उतनी पेस पे नहीं भागेगी जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राहुल, आपने ट्राई किया? मेरे हिसाब से मैम, जिस हिसाब से रोड है उस हिसाब से तो बढ़िया चलती है, भागती है। मैं तो खूब भगाता हूँ, मेरे हिसाब से हाँ खूब भगाता हूँ, लेकिन रोड खराब है तो कोई फायदा नहीं है। रोड खराब में तो सस्पेंशन बहुत जबरदस्त है भाई इसका। और देखिए, जब आप इसको हायर गियर पे लेके जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको वो हल्का सा लैग फील होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाड़ी एकदम से जान लगाती है बड़े गियर में जाने के लिए, और वो सब थोड़ा सा उसका रीज़न ये इंजन ही है। अदरवाइज़ अगर आप एक ऑप्टिमम स्पीड पे इसको चलाते हैं ना, एक नॉर्मल एक स्पीड पे आप इसको चलाएंगे, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जैसे ही अगर आप इसको एक्सेलरेट करेंगे, तो वहाँ पर गाड़ी थोड़ा सा पावर लगाने की कोशिश करेगी, थोड़ी जान लगाएगी। और हो सकता है दोस्त कि जैसे मैं BMW X7 चलाती हूँ, तो वो तो मेनली गाड़ी फेमस अपनी ड्राइव के लिए है, उस कंपैरिजन को अगर मैं माइंड में रख के कर रही हूँ, तो मुझे इसलिए वो फील हो रहा है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंजन तो बड़ा करना ही चाहिए था, थोड़ा सा मुझे लगा, नहीं है राहुल आपको नहीं लगता कि 3000 देना चाहिए? बड़ा देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। इतना कम पैसा नहीं ले रही कंपनी के आप 3000 CC का इंजन नहीं दे पाए, देना चाहिए था। और पावर आ जाती ना कार के अंदर, फिर और ज़बरदस्त इसके अंदर हमें पंच मिल रहा था, वो ज़बरदस्त पुश मिल रहा था। बाकी वैसे हर तरीके से कार की ड्राइव को आप इन्जॉय करेंगे, मज़ेदार ड्राइविंग है, आप इसको कहीं पर भी बिना सोचे समझे ले जाने वाला व्हीकल है ये। आपको इसे स्नो में चलाना है, मड में चलाना है, आइस में चलाना है, बहुत ज़बरदस्त स्टेबिलिटी के साथ ये गाड़ी आती है। इसके जो टायर्स हैं, ये हमारे बेसिकली ऑल टेरेन टायर ही होते हैं, जो आपका हर तरीके के रोड पे अपना ग्रैब बना के रखते हैं। कार अपने आप बहुत सारी चीज़ों को सेंस कर लेती है, और उसके हिसाब से आप बहुत कम्फर्टेबल जर्नी इंजॉय करते हैं। अच्छा राहुल, आपके मम्मी वगैरह बैठे हैं कार में? हाँ जी मैम, मम्मी बैठी हुई। मम्मी को कैसी लगी? मम्मी को बहुत अच्छी लगी। मम्मी को तो इसलिए अच्छी लगी, मेरे बेटे ने ली। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जगह पे इन्होंने अपना काम सेटअप कर रखा है, और बहुत मेहनत करके उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत प्राउडेड है। बिल्कुल मैम। और मम्मी ने ऐसा नहीं बोला कि थोड़ी नीची ले लेता, या मम्मी को भी ऐसी? हाँ, मम्मी के लिए तो बहुत बड़ी होगी ना, बड़ी हो गई, चढ़ने में दिक्कत होती है जैसे कि। अच्छा, आपने बताया था कि जब तक स्टेप पेडल नहीं लगे तो गाड़ी में भी नहीं बैठी। हाँ, गाड़ी में नहीं बैठी मम्मी, मना कर दिया, मुझे नहीं बैठना, तू ही जा भाई। तो ये मम्मी के लिए लगवाए। अच्छा, वो मम्मी के लिए 4.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। जी बिल्कुल मैम। ओके, राहुल को लगा होगा कि यार इतने करोड़ खर्च हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मम्मी को इतना भी देते हैं।
तो राहुल को ये गाड़ी ऑन रोड 1,25,00,000 की आपको पड़ी है राहुल, एक्सेसरी लगा के। ओके, एक्सेसरीज के साथ जिसमें आपने स्टेप पैडल 4,50,000 के लगाए हैं, 2,00,000 की आपकी लास्ट रो की सीट्स लगी हैं, आपने जो वो सीढ़ी लगवाई है वो आपकी 1,50,000 के अप्रोक्स की है, आपने हर चीज इसके अंदर पूरा एड ऑन करवा दिया, कोई भी चीज अब बची नहीं है। अब कुछ ऐसा है जो लैंड रोवर आपको कह रहा होगा सर ये तो रह गया ये लगा सकते हो? उन्होंने तो बोल दिया कि अब ऐसा कुछ नहीं है, जो हो गया बस सब हो गया। हाँ ओके, अब अलग से बाहर से कुछ लगवाना है तो वो आपकी इच्छा है। आप बाहर से लगवाते हो चीज़? नहीं मैम, मैंने आज तक बाहर से नहीं लगवाई, मैं कंपनी से कराता हूँ। हाँ। कुछ अच्छा लगता है अलग से होता है तो वो करा लेता हूँ। डिफरेंट चीज होती है, इसमें जरूरत भी नहीं है। नहीं, इसमें कोई एलॉयज वगैरह सब बहुत स्मार्ट है, बहुत पावरफुल चीजें हैं, और मुझे लगता है कंपनी की चीजों से ज्यादा छेड़खानी ना हमें करनी नहीं। बिल्कुल, बहुत R&D करते हैं। और बाकी हम लोग ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी को लेके जा रहे हैं, राहुल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जाएंगे तो मैं लेके जा रही हूँ। बिल्कुल मैम, हम इसके अंदर एक ड्रैग रेस भी प्लान कर रहे थे दोस्त, लेकिन ना यहाँ पर हमें इस टाइप के कोई रोड नहीं मिल रहे हैं, तो हम थोड़े से सेफ रोड पे जाके किसी दिन तब आपको करके दिखाएंगे, ताकि किसी के साथ कोई रिस्क ना हो, और वहाँ पर हम कैपेबिलिटी चेक करेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है क्लैरिटी आती है इंजन के टर्म्स में, स्पेक्स के टर्म पे, X7 ही जीतेगी। मैम ये तो देखो मौके की बात है, और राहुल तो हार ही नहीं मानता है। राहुल मुझे कह रहा है आपको हरा के दिखाऊंगा। बिल्कुल हरा के दिखाऊंगा। वैसे आप लड़की हो, मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन नहीं, चलो नहीं, मैं खतरनाक वाली लड़की हूँ। अच्छा, खतरनाक। चलो अच्छी बात है, तो मैं भी खतरनाक हूँ, देखते हैं। ड्राइव में मेरे को, हाँ ड्राइव में मेरा हाथ बहुत सही है, अच्छा ड्राइव कर लेते। ये तो ऑन रोड पता लगेगा मैम। हाँ ये ऑन रोड करेंगे, लेकिन जहाँ पे रिस्क ना हो। हाँ बिल्कुल, हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहुल से इनके फुल ऑन एक्सपीरियंस के बारे में, जिसमें राहुल हमें बताएंगे कि गाड़ी एग्जैक्टली क्यों उन्होंने खरीदी, कोई और गाड़ी मूड में थी नहीं थी, ब्लैक कलर क्यों उन्होंने चूज़ किया, कोई और क्यों नहीं किया, और बहुत सारे गप्पे मारेंगे राहुल के साथ। तो दोस्त अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय।